सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। लेकिन आज की ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे सुपर हिप यूट्यूब चैनल जो कि आज के लिए हमारे गेस्ट भी हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर हिप यूट्यूब चैनल। आज मैं ऐसा नहीं बोलने वाला क्योंकि हम लोग सुपर हिप पे नहीं है, हम लोग आए हुए हैं टॉक्सिक मार्वल पे। और आज टॉक्सिक को कुछ काम है तो उसकी जगह मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर गॉड द गॉड बुचर एमसीयू का बेस्ट विलन कैसे होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और मन करे तो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन। देखो यार, गौर द गॉड बुचर पर आने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट वाले बेस्ट विलन की जो कि एमसीयू में है, जिसका नाम है थेनोस। अब यार थेनोस एक लौता ऐसा विलन है जिसके विलन होने के बाद भी लोग उसे हेट नहीं करते हैं। क्योंकि देखो यार, थेनोस ने जो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए वो स्नैप किया था ना, वो सारी प्रॉब्लम रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। मतलब कि पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण दुनिया में रिसोर्सेज की कमी। लेकिन इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसने जो तरीका चुना ना वो काफी गलत था। कि इस चीज को भी मार्वल ने हमें इटर्नल्स में समझा दिया कि आखिर थेनोस की असली वजह क्या थी स्नैप करने के पीछे। तो इसीलिए थेनोस जो है वो बेस्ट विलन था अब तक का, लेकिन अब तो गॉड द गॉड बुचर होने वाला। क्योंकि देखो, गॉड द गॉड बुचर का जो कारण है विलन बनने के पीछे वो काफी रिलेटेबल है। क्योंकि गॉड द गॉड बुचर जो है वो सारे गॉड्स से अपनी फैमिली और अपने लोगों का बदला लेना चाहता है, सारे गॉड्स को मारकर। क्योंकि उसके हिसाब से जो है वहाँ के गॉड्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन तब भी उन्होंने वहाँ के लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी और उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। और अगर हम इस नजरिए से गौर को देखेंगे तो हमें गौर बिल्कुल भी गलत नहीं लगेगा, वो लगेगा ही नहीं कि वो विलन है। तो यही कारण है कि नो वन हेट्स गॉड द गॉड बुचर। और बात कर लेते हैं लुक की, तो देखो यार मुझे पता है कि ट्रेलर में गौर का लुक वैसा नहीं है जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे। वो वाला लुक कॉमिक से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इवन जो आइकॉनिक टेंटिकल्स है गॉड द गॉड बुचर के, वो भी वहां मिसिंग है। और अब जो दूसरी वजह आती है टाइका वाटिटी के ऐसा बोलने के पीछे, वो शायद ये हो सकती है क्योंकि देखो गौर का जो कैरेक्टर वो लुक वाइज तो नहीं लेकिन कैरेक्टर वाइज काफी बेडास हो सकता है। हो सकता है कि बंदा बुरा होकर भी बुरा ना हो, और मुझे भी यही लगता है यही होने वाला। तो हाँ, थोर 4 के बाद गौर ही होगा एमसीयू का बेस्ट विलन क्योंकि थेनोस को तो लोग भूलते जा रहे हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।